हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी, टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन ने ये डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है और फोर्स क्या क्या करवा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में फोर्स की टाइप्स, इसकी यूनिट्स, इसके डायमेंशंस, ये अपन ने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है ना। और इसके बाद में संपर्क बल क्या होते हैं, क्षेत्रीय बल क्या होते हैं, मूल बल कौन कौन से होते हैं, ये बातें अपन ने डिस्कस कर दी थी, ठीक है ना। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गति के नियम, ठीक है। तो गति के नियम अपन डिस्कस करते हैं। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं फर्स्ट, इसको अपन बोलेंगे प्रथम नियम। तो ध्यान से देखेंगे गति का पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम इसको अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम, इसको अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहता है ये, कि कोई भी वस्तु अपनी यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर वो गति कर रही है तो एक समान वेग से गति करते रहना चाहती है, और अगर वस्तु घूम रही है तो इस स्थिति में एक समान कोणीय वेग से घूमते रहना चाहती है, ठीक है ना। तो देवदान से कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो ये स्थिर ही रहना चाहती है, वस्तु अगर गतिमान है एक समान वेग से गतिमान रहना चाहती है, और वस्तु अगर घूम रही है तो इस स्थिति में एक समान कोणीय वेग से घूर्णन करते रहना चाहती है। तो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो एक समान कोणीय वेग से एक समान वेग से गति करती रहेगी, और घूम रही है तो इस स्थिति में एक समान कोणीय वेग से घूमती रहेगी। तो इस स्थिति में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, इस स्थिति में जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना भी जीरो है, जो कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे भी। तो स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गति करती रहना चाहती है, तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। और ध्यान से देखना, देखो बच्चों, जड़त्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपके पास में द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान। अब इसके अपन एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए का कोई पेड़ है, इस पेड़ की ब्रांच पे जैसे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो पहले ब्रांच है वो भी क्या रेस्ट में, और फ्रूट्स है वो भी रेस्ट में, फिर उसके बाद इस ब्रांच को अपन इस प्रकार से पकड़ते हैं, और पकड़ करके फिर उसके बाद इसको अपन शेक करते हैं, तेजी से हिलाते हैं। तो जैसे अपन हिलाएंगे तो वैसे ब्रांच है वो तो गति में आ जाएगी, बट इस पर लगे हुए जो फ्रूट्स हैं वो रेस्ट में रहेंगे, तो इस स्थिति में फ्रूट्स हैं वो इस ब्रांच से टूट करके नीचे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई जैसे रजाई है, गद्दा है, उसके अंदर डस्ट घुस चुकी है, तो अपन क्या करते हैं, कोई भी डंडा लेते हैं, इस डंडे से अपन इस रजाई या गद्दे को अपन पीटते हैं, तो फिरते हैं तो ये जो रजाई है या गद्दा है ये तो मूव करने लगता है, गति करने लगता है, बट इसके अंदर भरे हुए जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट में रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, रेस्ट में। इस कारण से वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि अपन किसी बस के अंदर बैठे हैं और बस अचानक से अगर चलना स्टार्ट करती है तो इस स्थिति में अपने पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है ना। ये भी जड़त्व है, स्थिति का जड़त्व है या स्थिर अवस्था का जड़त्व है। और कई बार क्या होता है, जैसे चलती हुई बस के अंदर अपन बैठे और बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो अपन आगे की तरफ धक्का महसूस करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान के इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे सीधी सड़क पर कोई भी कार जा रही है और जैसे घुमावदार मोड़ आ गई तो फिर उसके बाद कार होती बाहर की तरफ स्किड हो जाती है, बाहर की तरफ फेंक दी जाती है, तो ये क्या होता है, दिशा का जड़त्व होता है, क्योंकि कार उसी डायरेक्शन चलती रहना चाहती है, बट अचानक से जैसे टर्न आ गया ना तो कार वो बाहर की तरफ गिर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अभी दिशा का जड़त्व हो जाएगा,
तो जड़त्व क्या होता है ये तो आप अच्छे से समझ ही गए, और ये तो पहला नियम हो गया। इसके बाद में दूसरा अपन देखते हैं, द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या कहता है ध्यान से देखना, देखो कि जो आरोपित बल होता है ना, आरोपित बाह्य बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर से समानुपाती होता है, यानी एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास डीपी अपॉन डीटी। मैं आपको यहां पे बता देता हूं संवेग, पी बराबर क्या होता है एम इंटू वी होता है, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान को अगर आप वेग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको संवेग प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं एफ एक्सटर्नल बराबर प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे, बराबर का सिंबल लगा देंगे के, तो डीपी अपॉन डीटी हो जाएगा। के क्या हो जाएगा समानुपाती नीतांक, और यहां पे के की वैल्यू कितनी होती है वन होती है। तो एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है आपके पास डीपी अपॉन डीटी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पी सदिश का टी के सापेक्ष अवकलन, या क्या बन जाएगा आपके पास पीटी वक्र की ढाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी पीटी वक्र की ढाल, और ढाल को अपन किससे लिखते हैं भाई टेन थीटा से लिखते हैं, मतलब ये आपके पास है टी हो गया, ये आपके पास है पी हो गया, ये ग्राफ है। तो यहां पर इस पॉइंट पे इस प्रकार से अपन क्या करते हैं क्षैतिज स्पर्श का इन दोनों के बीच का कोण थीटा याद कर लो, और इसके बाद इस थीटा का जो टेन थीटा है वो टेन थीटा है किसके बराबर हो जाएगा बताओ, फोर्स के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा फोर्स के बराबर। तो यहां से लेकर कि यहां तक अपन देख रहे हैं कि ग्राफ इसकी स्लोप है वो लगातार बढ़ रही है, यानी टेन थीटा लगातार बढ़ रहा है, तो इस पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये पहला नियम हो गया और ये दूसरा नियम हो गया। तो दोनों नियमों का आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद दूसरे नियम को अपन यहीं पर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो आप बता दें कि P वेक्टर बराबर कितना होता है आपके पास M इंटू V वेक्टर होता है। तो यहां से आपके पास F एक्सटर्नल बराबर D अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है DT, P बराबर क्या हो जाएगा M इंटू V वेक्टर, या आपके पास M इंटू DV अपॉन DT प्लस V इंटू DM अपॉन DT। M और V दोनों ही मान किस लेखा परिवर्तित हो रहे हैं, तो दोनों ही मान किस लेखा चर है, यानी चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक बार M को कांस्टेंट रख के V का अवकलन कर देंगे, प्लस एक बार V को कांस्टेंट रख के M का अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, ये बात होगी। इसके बाद यदि V क्या हो जाएगा आपके पास में कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट हो गया ना तो इस स्थिति में आपके पास जो dV अपॉन dt है वो क्या हो जाएगा जीरो। तो इस स्थिति में एफ एक्सटर्नल बराबर कितना देगा आपके पास है वी डीएम अपॉन डीटी, और ये वाला फॉर्मूला आ गया अभी। अब ये फॉर्मूला किसके अंदर काम आता है अभी, इसके एग्जांपल क्या है, इसका एग्जाम्पल एक तो होता है आपके पास रॉकेट, और एक इसका एग्जाम्पल होता है कन्वेयर बेल्ट होता है। क्या होता है कन्वेयर बेल्ट। तो दोनों मैं आपको समझा देता हूं ध्यान से देखना, देखो दोनों यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे मान के चलिएगा ये कोई रॉकेट है,
अब देवदान से इस रॉकेट से ना पीछे की तरफ क्या निकल रही है, गैसें निकल रही है, और ये जो गैस है इन गैसों का रॉकेट के सापेक्ष में कितना देगा आपके पास में, v। और इसके अंदर जो ईंधन है वो ईंधन किस दर से जल रहा है बताओ, dm by dt से। dm by dt क्या हो जाएगी, ईंधन के जलने की दर हो जाएगी। तो इस स्थिति में इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है भाई, f। और f बराबर कितना होता है आपके पास, v into dm upon dt, ठीक है ना। और तो अपन लिख सकते हैं यहां पर v, v तो क्या हो जाएगा गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग, और dm by dt क्या देगी बताओ, ईंधन के जलने की दर। ईंधन के जलने की दर होगी, तो यहां पर आपके पास dm by dt क्या देगी, ईंधन के जलने की दर हो जाएगी। मैं इसको मिटा रहा हूं इधर वाला, देखो ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, ये रॉकेट है इस रॉकेट का मान, इसलिए का द्रव्यमान कितना है भी m है, इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है mg, इसका वेट हो गया। इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है v dm by dt। भाई इस रॉकेट के अंदर जो ईंधन है वो ईंधन जल रहा है, और ईंधन के जलने की वजह से इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है, ये फोर्स कितना देगा v dm by dt। और मान के इसलिए रॉकेट है, इसका ऊपर की तरफ जो त्वरण है वो कितना देगा आपके पास है a, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है v dm by dt, और नीचे की तरफ कितना फोर्स है mg, और नेट फोर्स बराबर क्या होता है, बराबर ma होता है, तो ये आपके पास ma हो जाएगा। तो यहां से इसका अपन a निकालेंगे, a बराबर कितना देगा आपके पास v dm by dt माइनस mg अपॉन m, ये इसका a आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो जैसे जैसे रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे इसका ईंधन है वो कंज्यूम होता जाएगा, ईंधन काम में आता जाएगा, तो इस रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा भी, कम हो जाएगा, और इसका जो वेग है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो अपन निकालते हैं कि माना टी बराबर जीरो पर रॉकेट का द्रव्यमान कितना देगा एम नॉट, और t बराबर t पर रॉकेट का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m बराबर m हो जाएगा। तो इस स्थिति में स्मॉल t समय पर रॉकेट का वेग, तो v बराबर क्या देगा आपके पास, तो u माइनस जी टी प्लस क्या देगा आपके पास में वी आर लॉग बेस ई एम नॉट बाई एम हो जाएगा। तो यहां पर यू तो क्या देगा इस रॉकेट का प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और माइनस जी टी ये ग्रेविटी की वजह से इसके वेग में जो कमी आ रही वो हो जाएगी। इसके बाद वी आर ये क्या हो जाएगा बताओ, गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग हो जाएगा, एम नॉट क्या हो जाएगा प्रारंभिक द्रव्यमान, एम क्या देगा आपके पास अंतिम द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यू ये तो देगा प्रारंभिक वेग, और जी क्या देगा बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, एम नॉट क्या देगा प्रारंभिक द्रव्यमान, एम क्या देगा आपके पास अंतिम द्रव्यमान हो जाएगा, और वी आर क्या देगा, वी आर ये देगा
इस रॉकेट से निकलने वाली जो गैस है उनका रॉकेट के सापेक्ष वेग हो जाएगा, ठीक है ना। अब कभी अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रारंभिक वेग कितना भी जीरो और ग्रेविटी है उसको भी अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं, क्या गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र के अंदर रॉकेट गति कर रहा है, तो यू और जी टी इन दोनों को अपन जीरो कर देंगे। तो अपन बोलेंगे यदि यू बराबर कितना आपके पास है जीरो, वह गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र है, तो इस स्थिति में वी बराबर कितना देगा आपके पास में वी आर लॉग बेस ई एम नॉट बाई एम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको रॉकेट के बारे में कंप्लीटली बता दिया अभी, तो इनको आप अच्छे से देख ले, नोट कर ले आप। चलो इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कन्वेयर बेल्ट। अपन अभी भी नाम देखा था कन्वेयर बेल्ट क्या होता है। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं वाहक पट्टा। क्या होता है वही वाहक पट्टा क्या होता है? ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी बेल्ट होता है, मतलब दो व्हील होते हैं, दो पहिए होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा मतलब जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे लगे होते हैं ऐसे, ये तो दो व्हील होते हैं, इसके ऊपर एक बेल्ट होता है, ये बेल्ट इस प्रकार से घूमता रहता है और इसके ऊपर अपन यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रकार से सामान होता है ना, उस सामान को अपन डालते रहते हैं। अब ये जो बेल्ट है ये किस वेग से गति कर रहा है, अभी v वेग से, और ये सामान अपन किस दर से डाल रहे हैं, डी एम बाई डी टी। तो इस स्थिति में ये जो बेल्ट है ये बेल्ट कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है, एफ बराबर वी इंटू क्या देगा आपके पास डी एम बाई डी टी। बेल्ट वो इतना बल आरोपित कर रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से, कई बार क्या होता है जैसे मतलब जो एम होता है वो क्या होता है कांस्टेंट, एम अगर कांस्टेंट होता है तो डी एम बाई डी टी बराबर क्या देगा जीरो। तो इस स्थिति में एफ एक्सटर्नल था बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पहले क्या भी वी डी एम बाई डी टी प्लस एम इंटू डी वी बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी को जीरो कर देंगे ना, तो ये आपके पास बन जाएगा एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं ए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एम इंटू ए, तो एफ बराबर एम ए। तो ये भी आपके पास न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, तो एफ बराबर एम ए क्या हो जाएगा भाई, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी न्यूटन की गति का दूसरा नियम है बच्चों, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब इसके बाद इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि F बराबर क्या होता है आपके पास dp अपॉन dt, तो यहां से dp बराबर क्या हो जाएगा आपके पास F dt। दोनों तरफ से अपन क्या कर देते हैं इसका समाकलन t1 T2, ये आपके पास है P1 वेक्टर और ये आपके पास हो जाएगा P2 वेक्टर हो जाएगा। तो DP का क्या देगा आपके पास है P, और P को अपन क्या लिख सकते हैं अभी P2 वेक्टर माइनस क्या देगा आपके पास है P1 वेक्टर, तो बराबर क्या देगा आपके पास है F DT T1 से लेकर के T2 तक। अब P2 माइनस P1 इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा P, और P2 माइनस P1 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसको अपन लिख सकते हैं M इंटू V2 माइनस V1, और फोर्स का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये समाकलन हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बराबर F का T के सापेक्ष समाकलन, या क्या हो जाएगा आपके पास है एरिया बन जाएगा। ये टाइम हो गया, ये फोर्स हो गया, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ इस प्रकार का यू है, तो
ये टाइम टी वन हो गया, ये टाइम टी टू हो गया, तो इस स्थिति में इस ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया है वो एरिया किसको बताएगा, डेल्टा पी को। डेल्टा पी बराबर कितना होता है, एम इंटू वी माइनस यू हो जाएगा। तो ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो वहां से आप डेल्टा पी निकाल सकते हैं, और डेल्टा पी बराबर कितना होता है, एम इंटू वी माइनस यू। वी क्या होता है, अंतिम वेग, और यू क्या होता है, आपके पास में प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका न्यूटन का गति का दूसरा नियम था। और तीसरे नियम की अगर अपन बात करते हैं, तीसरा नियम, इसको अपन बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहता है ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया कितना, F21। तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाई कि कितना, F12, ठीक है ना। तो यहां से पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण बल और दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु के कारण बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है। यानी पहली ने दूसरी पे लगाया, दूसरी ने पहली पे लगाया, दोनों पे एक दूसरे के कारण लगने वाले जो बल होते हैं वो परिमाण में क्या होते हैं, समान, और दिशा में क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट होते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन लो, यानी पहली वस्तु दूसरी वस्तु पे जितनी क्रिया करती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे उतनी क्या करती है, प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा नियम हो गया, ठीक है। और इसके बाद में तीनों नियम है वो आपके फिनिश हो चुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इनको नोट कर लो एक बार आप। तो देखिए बच्चों, अपन ने न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ये तीनों नियम अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम कौन सा होता है भाई, जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम है वो अपने को बल का परिमाण देते हैं, और इसके बाद में तीसरा नियम है वो क्या हो जाएगा भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। तो दूसरे नियम अपन ने डिस्कस किया था कि एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है आपके पास, डी पी अपॉन डी टी। यदि एफ एक्सटर्नल बराबर कितना आपके पास में, जीरो, तो इस स्थिति में डी पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, कॉन्स्टेंट। यानी पी इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, पी फाइनल। और इसको ये अपन क्या बोल सकते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो क्या कहता है, ध्यान से देखना, देखो कि यदि किसी भी वस्तु पर बाह्य बल जीरो है तो इस स्थिति में उस वस्तु का रेखीय संवेग या उस निकाय का रेखीय संवेग वो संरक्षित रहता है। यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी भी सिस्टम पर अगर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इस स्थिति में उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है ना। प्रारंभिक संवेग अगर जीरो है तो अंतिम संवेग भी क्या हो जाएगा, भी जीरो देगा, ठीक है ना। अब सुनना, ध्यान से देखना, देखो जैसे इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि मान के देखा, ये कोई बम है, इसका द्रव्यमान कितना है, भी एम है, और ये इस प्रकार से रेस्ट में रखा हुआ है, और ये बम है, इसके अंदर क्या होता है, विस्फोट होता है। और आपको मालूम है कि विस्फोट आंतरिक बलों की वजह से होता है कि बाह्य बलों की वजह से, आंतरिक बलों की वजह से, बाहर से तो कोई इस पे बल लगा नहीं रहा है। तो इसके दो टुकड़े बन जाते हैं, एक तो टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। इसका द्रव्यमान मान के इसका कितना देगा, स्मॉल एम। इसका द्रव्यमान कितना देगा, कैपिटल एम माइनस क्या देगा आपके पास, स्मॉल एम। अगर इसका वेग है वो इधर की तरफ कितना देगा, वी वन, तो इसका वेग इस प्रकार से इधर की तरफ क्या देगा आपके पास, वी टू देगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक संवेग कितना देगा भी, द्रव्यमान इंटू वेग कितना देगा, जीरो। ये प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग की बात करते हैं तो इसका प्लस हो देगा, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू क्या देगा आपके पास, वी टू। और इसका कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का एम इंटू वी वन, क्योंकि वी वन नेगेटिव देगा। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ से इसको इधर की तरफ ले आऊंगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, तो एम वी वन वेक्टर बराबर क्या होता है, कैपिटल एम
माइनस स्मॉल m इंटू क्या होता है आपके पास में v2 वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो क्या इसको प्लस लिख दो, चिन्ह इसके अंदर अपने आप आ जाएगा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस का ये आ जाएगा। तो यहां पर भी अपने क्या कर दिया, रेखीय समय का संरक्षण लगाया, प्रारंभिक समय को और अंतिम समय को अपने बराबर कर दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से बंदूक गोली निकाय, जैसे मान के देखा ये कोई बंदूक है, इस बंदूक का द्रव्यमान कितना आपके पास है कैपिटल एम, इसके अंदर ये कोई गोली, इस गोली का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास स्मॉल एम, पहले दोनों रेस्ट में। अब ध्यान से देखना, देखो होता क्या है, अब इस बंदूक से मैं क्या करता हूं गोली चलाता हूं, तो गोली का वेग कितना देगा स्मॉल वी, तो बंदूक का पीछे की तरफ कैपिटल वी वेग प्राप्त कर लेती है भी। तो यहां पे इस बंदूक ने गोली पर बल लगाया और गोली ने बंदूक पर बल लगाया, दोनों ने एक दूसरे पर बल लगाया, बाहर से कोई बल आ रहा है क्या, नहीं। और अगर बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो इस स्थिति में रेखीय समय संरक्षित रहेगा। तो इसका प्रारंभिक द्रव्यमान कितना देगा कैपिटल एम प्लस क्या देगा स्मॉल एम, और प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास है जीरो बराबर, और इसका अंतिम समय कितना देगा बताओ एम वी, और इसका कितना देगा आपके पास है प्लस कितना देगा आपके पास है कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस का एम इंटू वी ये देगा भी, तो ये इस बंदूक के द्वारा प्राप्त किया गया वेग हो गया भी, बंदूक ये वेग प्राप्त कर लेगी, ठीक है ना। ये चीज है, तो कोई भी जैसे मान के चले का बम में रखा हुआ है वो अचानक से विस्फोटित होता है तो रेखीय समय संरक्षण का नियम अपन लगा सकते हैं, और बंदूक गोली निकाय इसके लिए भी अपन रेखीय समय संरक्षण का नियम लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज होगी, तो ये तो आपका रेखीय समय संरक्षण का नियम था जो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी भी निकाय पर बाह्य बल जीरो है, किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, तो इस स्थिति में उसका रेखीय संवेग वो संरक्षित रहता है, ठीक है ना। यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग का मान क्या होता है बराबर होता है। इसके बाद में दो एग्जांपल लगा लेकर के मैंने आपको इस बात को अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए बच्चों तीन क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेंद के संवेग में परिवर्तन ज्ञात करो। अब ये वाला जो क्वेश्चन, इसके अंदर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस गेंद पर दीवार के कारण लगने वाला बल ज्ञात करो। अगर अपन ने संवेग में परिवर्तन ज्ञात कर लिया तो समय से डिवाइड करके अपन बल भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि F इक्वल टू कितना था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी को अगर अपन टी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे अपने को संवेग में परिवर्तन है वो ही ज्ञात करना भी। देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे एम द्रव्यमान की कोई भी गेंद है, इस गेंद का द्रव्यमान कितना रहेगा एम हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो दीवार है, इस दीवार के साथ में अभिलंब बना रखा अपन है, नॉर्मल हो गया ये, इसके साथ में थीटा कोण बनाते हुए ये वी वेलोसिटी से जाती है और टकरा करके वी वेलोसिटी से वापस आ जाती है थीटा एंगल पे। यानी जिस चाल से जाती है उसी चाल से वापस आती है और जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से वापस आती है, ठीक है ना। और आगे अपन जैसे फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे टक्कर में कि इस प्रकार की टक्कर को अपन बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर, यानी इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसके संवेग में परिवर्तन अपने को ज्ञात करना है, तो चलो करते हैं अपन। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले ये आपके पास इसकी जो इसका जो वेग है ये कितना देगा v, तो अपन इसका संवेग लिख देंगे। संवेग कितना देगा p कुछ टू कितना देगा mv। तो संवेग का एक तो घटक हो जाएगा आपके पास है ये, एक संवेग का घटक हो जाएगा इस प्रकार से ये वाला एंगल अगर कितना देगा थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है थीटा। तो ये आपके पास है mv, तो mv का ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास है mv cos थीटा,
और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास एम वी साइन थीटा। इसी प्रकार से इस गेंद का द्रव्यमान कितना है एम, वेग कितना देगा वी, तो संवेग इधर की तरफ कितना जाएगा एम वी। तो इसके भी अपन दो कंपोनेंट्स बना देंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला एंगल कितना देगा थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है थीटा। तो इस एम वी का ये आपके पास आ जाएगा एम वी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या देगा आपके पास एम वी साइन थीटा, ठीक है ना। अब एक बार के लिए अपन ये मान लेते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये तो आपके पास है कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स डायरेक्शन, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये अपने पास में क्या हो जाएगी वाई डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो प्रारंभिक संवेग है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल, पी इनिशियल बराबर क्या बन जाएगा बताओ, इसका एक्स कंपोनेंट है नेगेटिव एक्स की तरफ हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का एम वी कॉस थीटा आई के, और वाई कंपोनेंट है वो भी नीचे की तरफ है ऋणात्मक वाई एक्स के अनुदिश है, तो क्या देगा आपके पास माइनस का एम वी साइन थीटा, ये आपके पास है जे के हो गया। और यदि इसके अंतिम संवेग की अपन बात करते हैं तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा भाई, इसको अपन बोल सकते हैं पी फाइनल वेक्टर बराबर, एक्स कंपोनेंट है वो तो पॉजिटिव एक्स की तरफ हो गया, तो एम वी कॉस थीटा आई के, और वाई कंपोनेंट नेगेटिव वाई की तरफ तो माइनस का एम वी साइन थीटा जे के हो गया। अब यदि आपको संवेग में परिवर्तन निकालना है तो अपन यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा पी वेक्टर बराबर, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है पी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है पी इनिशियल हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एम वी कॉस थीटा आई के माइनस माइनस एम वी कॉस थीटा आई के, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास है टू एम वी कॉस थीटा आई के, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2mv cos थीटा ikf हो गया। और अगर अपन jkf की बात करते हैं तो माइनस का mv sin थीटा jkf माइनस माइनस mv sin थीटा jkf हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा आपके पास है 2mv cos थीटा ikf हो जाएगा। और यहां पर जो थीटा है वो अभिलंब के साथ में कोण हो जाएगा, किसके साथ में कोण हो जाएगा अभिलंब के साथ में कोण, ठीक है ना, ये चीज होगी। और अगर अपने को निकालना है फोर्स निकालना है तो एफ वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास है डेल्टा पी अपॉन क्या होता है आपके पास है डेल्टा टी होता है। तो क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको जो डेल्टा टी है ना वो गिवन होगा, क्वेश्चन में जो डेल्टा टी है वो आपको क्या होगा गिवन, तो डेल्टा पी की वैल्यू अपन यहाँ से इसके अंदर पुट कर देंगे और अपने पास से फोर्स आ जाएगा, समझ में आ गई ना बात है ये चीज। तो यहाँ पर जो दीवार है वो इस गेंद पर फोर्स किधर की तरफ लगा रही है, बल किधर की तरफ लगा रही है, अभिलंब के अनुदिश लगा रही है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन किधर की तरफ हो जाएगा आई केफ के अनुदिश एक्स एक्स के अनुदिश, तो इस गेंद पर ये जो दीवार है वो फोर्स भी किधर की तरफ लगा रही है एक्स एक्स के अनुदिश लगा रही है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पी बराबर कितना देर का 2t² + 4t, टी बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात करना है अभी, तो ये तो आपके पास में क्या हो गया अभी पी। इसके बाद में एफ निकाल सकते हैं, तो एफ बराबर कितना होता है आपके पास डी पी अपॉन डी टी, तो पी का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो तो 2t² का कितना देगा 4t, और प्लस 4 का कितना देगा आपके पास में 4। इसके बाद इसके अंदर पुट करते हैं टी बराबर 2 सेकेंड, तो टी बराबर 2 सेकेंड पर एफ बराबर 4, टी कितना देगा 2 प्लस क्या देगा 4, तो 8 और 4 कितना देगा 12 न्यूटन। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से मेरे को इतना सा समझाना था कि अगर आपको P देकर आपको फोर्स पूछ रखा है, ठीक है ना, तो अपन क्या कर देंगे भी P का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, ये चीज। इसी प्रकार से देवदान से जैसे मान के इसलिए का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि P बराबर कितना हो जाएगा बताओ, P बराबर हो जाएगा आपके पास एल्फा साइन ओमेगा टी आई के प्लस बीटा कॉस ओमेगा टी जे के, तो आपको एफ वेक्टर निकालना है, तो अपन जानते हैं कि एफ वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास डीपी अपॉन डीटी। इसके बाद में इसका अपने को अवकलन करना है, तो एल्फा का क्या हो जाएगा आपके पास एल्फा, इसके बाद है साइन ओमेगा टी आई के एफ, भाई साइन ओमेगा टी का आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो साइन ओमेगा टी का क्या होता है कॉस ओमेगा टी, और सामने ओमेगा भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास एल्फा
ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई के, और इसके बाद में प्लस बीटा कॉस ओमेगा टी का क्या होता है ओगलन माइनस का साइन ओमेगा टी, और आगे ओमेगा भी आ जाएगा क्योंकि यहां पर ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा होता है, तो ओमेगा आगे गुणा में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का एल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी जे के बोलेगा। ये एक एग्जांपल है भाई, एग्जांपल है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मोमेंटम दे रखा है, संवेग दे रखा है, तो उसका समय के सापेक्ष अवकलन करके अपन क्या कर सकते हैं भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखो यदि टी बराबर जीरो पर यू बराबर यानी प्रारंभिक वेग है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो टी बराबर 4 सेकंड पर आपको इसका जो वेग है वो याद करना है, और कण का द्रव्यमान है वो कितना देर का आपको 2 kg देर का है, ठीक है ना। सुनना ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको बताया था कि एफ बराबर क्या होता है dp/dt, तो डीपी बराबर क्या होता है fdt, फिर दोनों तरफ से अपन ने समाकलन किया था, तो मेरे को प्राप्त हुआ था डेल्टा पी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी एफ का टी के सापेक्ष समाकलन, और समाकलन का मतलब क्या होता है एरिया होता है, क्या होता है एरिया। ये सारी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं लिख सकता हूं ध्यान से, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बराबर क्या होता है आपके पास एम इंटू वी माइनस यू बराबर क्या होता है एरिया होता है, तो एम तो कितना देगा आपके पास में 2 kg, वी आपको याद करना है, यू कितना देगा आपको बताओ 10 बराबर, एरिया निकालना, तो एरिया कितना देगा 1/2 गुणा आधार कितना देगा आपके पास है 4 इंटू ऊंचाई कितना देगी आपके पास है 20, ठीक है ना, तो ये कितना देगा आपके पास है 40, 2 का भाग अगर उधर की तरफ लगा दूंगा तो 40/2 कितना देगा आपके पास है 20 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 उधर की तरफ जाकर के प्लस का 10 बन जाएगा, तो 20 और 10 कितना देगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ से वी बराबर कितना देगा आपके पास है 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया अभी, तो v बराबर कितना देगा आपके पास में 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया था उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इनको आप अच्छे से नोट करें, समझें इनको आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ NLM की, जिसका नाम है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, और अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया और ये वाली चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई, तो ये मान लो कि NLM और फ्रिक्शन और इवन वर्क एनर्जी पावर, ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब यानी कई जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है वो आप बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो फ्री बॉडी डायग्राम, देखो फ्री बॉडी डायग्राम यानी इसके अंदर कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी जो फिंड होता है, उसको पूरे निकाय से फ्री कर देते हैं अपन, यानी आइसोलेट कर देते हैं, इसको अपन विलगित कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में उस बॉडी पर लगने वाले सारे सारे जो फोर्स है वो तो अपन दिखाते हैं, उसके द्वारा लगने वाले फोर्स हैं वो अपन नहीं दिखाते। तो ध्यान से देखना, देखो किसी भी कोई भी जैसे पिंड है, ठीक है ना, इस पिंड को सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं भी निकाय से अलग, सबसे पहले कर लेते हैं इसको अपन निकाय से अलग, और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये जो पिंड है ना, इस पिंड पर लगने वाले जो बल है, और एक होते हैं द्वारा लगने वाले बल, ध्यान से देखना, तो इस पर लगने वाले जो बल है वो तो अपन क्या करते हैं सारे के सारे दिखाते हैं, और इसके द्वारा लगने वाले जो भी बल होते हैं वो अपन बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, किसी भी बॉडी पर लगने वाले दूसरी बॉडी जब वो कितने फोर्स लगा रही है वो सारे के सारे फोर्स अपन शो कर देंगे, और ये कितने बल लगा रही है वो अपन नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो चलो ये अपन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बल होते हैं, जो जो बल होते हैं वो सारे के सारे बल एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं एक साथ, ताकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम अपने को सोचना नहीं पड़े ज्यादा। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा, भार बल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे मतलब भार बल होता है,
या आपके पास में कोई भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा, एम हो जाएगा। जहां पर भी आपको कोई एम द्रव्यमान का ब्लॉक दिख जाए तो हमेशा इस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आपको mg लगाना ही लगाना है। पहला काम आपको यही करना है, अभी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए और इसका परिमाण कितना होता है, mg होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अभी इस पर आपको mg लगाना ही लगाना है कि आपने mg लगा दिया। अब इस mg की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होती है। पहला काम ये करना है अभी, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बल आता है तनाव बल। तो ध्यान से देखना, तो ये जो टेंशन फोर्स होता है, इस टेंशन फोर्स की डायरेक्शन है वो किस प्रकार से अपन चूज करते हैं। तनाव हमेशा भाई जिस पॉइंट पर आपको तनाव ज्ञात करना है आप उस पॉइंट पर जाकर के बैठ जाओ और फिर उसके बाद तनाव हमेशा अपने से दूर की तरफ होना चाहिए। टेंशन को हमेशा अपने से दूर रखो, ठीक है ना। तो टेंशन लेने का नहीं देने का, मतलब टेंशन को हमेशा अपने से दूर रखने का है, ठीक है। तो किस प्रकार से टेंशन की डायरेक्शन अपन डिटरमाइन करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मतलब ये दो ब्लॉक हैं और टेंशन की बात कब आती है, जब रस्सी होती है, और ये आपके पास में कोई दूसरा ब्लॉक है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इसको अपन इस प्रकार से इधर की तरफ फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक रस्सी है, इस रस्सी के अंदर खिंचाव जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से टेंशन आ जाएगा। तो अगर आपको कोई बोल दे कि यहाँ पर तनाव याद करना है, यहाँ पे तनाव, तो यहाँ पे बैठ जाओ और तनाव रस्सी के अनुदिश बना दो अपने से दूर की तरफ, तो ये टेंशन हो गया। और अगर यहाँ पर तनाव याद करने के लिए बोला जाए तो अपने से दूर की तरफ, तो ये आपके पास टेंशन हो गया टी, ठीक है ना। तो तनाव है पर रस्सी का कोई भी हिस्सा है उसमें तनाव किस प्रकार से लगता है, से यहाँ पे भी अंदर की तरफ, यहाँ पर भी अंदर की तरफ। तो तनाव की डायरेक्शन हमेशा आपको इस प्रकार से लेनी है कि रस्सी को संकुचित करने का प्रयास करता है, क्या करता है, रस्सी को संकुचित करने का प्रयास करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तनाव की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि ये रस्सी को संकुचित करने का प्रयास करता है अभी, ठीक है ना। और दूसरा, तनाव हमेशा अपने से दूर की तरफ होना चाहिए, समझ में आ गई बात है, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यह टेंशन फोर्स हो गया। अब तनाव की एक बात बताता हूँ, जैसे मान के इसलिए आपके पास जैसे कोई भी रस्सी है वो क्या है, द्रव्यमानहीन है। तो इस स्थिति में संपूर्ण रस्सी में जो तनाव है वो क्या होता है, अभी समान होता है। मतलब आपके पास कोई भी एक दी गई रस्सी है ना जिसका द्रव्यमान नहीं है, तो उस दी गई रस्सी के संपूर्ण बिंदुओं पे, मतलब हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। कैसे, ध्यान से देखना, देखो जैसे मतलब ये आपके पास में कोई भी रस्सी है, तो इसका ये पॉइंट आपके पास है P हो गया, ये वाला पॉइंट आपके पास है Q हो गया, ये वाला पॉइंट आपके पास R हो गया। तो यहाँ पे भी टेंशन कितना देगा T, यहाँ पे भी टेंशन कितना देगा T, और यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा T। हर पॉइंट पर जो टेंशन है वो क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ये तनाव बल की बात होगी, बाकी तो अपन जैसे जैसे काम में लेंगे ना तो ये बातें आपकी वापस रिवाइज हो जाएगी। तनाव के बल की बाद में तीसरे बल की अपन बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बल होता है, ये होता है आपके पास है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल इसको अपन नॉर्मल से एन से। अब सुनना ध्यान से, देखो अभिलंब प्रतिक्रिया बल कब अस्तित्व में आता है, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी पिंड है, अगर किसी भी दूसरे पिंड या किसी भी सतह को अगर टच कर रहा है, कहीं पर भी अगर ये किसी के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो इस स्थिति में इस पर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है ना। तो कब लगता है, जब आपका पिंड है वो किसी दूसरे पिंड या किसी भी सतह के संपर्क में आ रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है। और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होती है, जिस सतह के कॉन्टेक्ट में आ रहा है उसके लंबवत होते हैं, किधर की तरफ होती है, उसके लंबवत होती है। तो देखते हैं ध्यान से, जैसे मतलब ये आपके पास में इस प्रकार से धरातल है,
ठीक है ना, इस पर मैंने इस प्रकार से कोई भी पिन रख दिया, तो इस पिन का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास एम। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, जहां पर भी आपको एम दिख जाए नीचे की तरफ आपको एम जी लगाना ही लगाना है। रस्सी यहां पर है नहीं तो तनाव की बात नहीं करेंगे, यहां पर ये वाला जो ब्लॉक है इस धरातल के संपर्क में आ रहा है, तो ये वाला धरातल है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा इस पर, और ये वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है न तो ऊपर की तरफ गति कर रहा है और न ही नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो इस स्थिति में इस ब्लॉक पे नेट फोर्स है वो कितना देगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर हो जाएगा, तो ऊपर वाला बल कितना देगा आपके पास एन, और नीचे वाला बल कितना देगा आपके पास एम जी हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात है, ये बात, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ है जो कि इस प्रकार से यहाँ पे दो सतहों के बीच में इस प्रकार से ये वाली चीज रखी हुई है, इस प्रकार से ये हो ना, तो ये जो पिंड है इस पिंड पर कौन कौन से फोर्स लग जाएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसका जो सेंटर है ना, उस सेंटर पे नीचे की तरफ लगा दो आप mg। अब ये वाली जो सतह इसको मैं बोल देता हूँ एक, इसको मैं बोल देता हूँ दो, तो ये यहां पर इसको टच कर रहा है ना, तो ये वाली सतह इस पर इस प्रकार से अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाती है इधर की तरफ n1, और ये यहां पर टच कर रहा है ना, तो ये इस पर इस प्रकार से इधर की तरफ फोर्स लगाती है कितना n2। तो इस पर फोर्स अपन ने लगा दी इस प्रकार से, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। तो कोई भी पिंड अगर किसी भी सतह या किसी भी वस्तु को संपर्क करता है, टच करता है, तो इस स्थिति में उस वस्तु के द्वारा उस पर एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। और एक कौन सा बल लगता है भी, फोर्थ, चौथा फोर्स जो कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग बल। जब भी स्प्रिंग आ जाएगी ना तो इस स्थिति में स्प्रिंग बल लगेगा भी। अब कैसे लगेगा देखो ध्यान से, जैसे मतलब ये आपके पास में कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अभी स्प्रिंग में x बराबर कितना है भी, जीरो, यानी ये अपनी नेचुरल लेंथ यानी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में, और स्प्रिंग का एक नीतांक होता है, इस नीतांक को अपन क्या बोलते हैं, के, स्प्रिंग नीतांक होता है। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, अभी स्प्रिंग के गुणों पर निर्भर करता है, स्प्रिंग की बनावट, इसका जो मटेरियल है, इसका जो पदार्थ है, उन चीजों पर डिपेंड करता है के, ठीक है ना। तो अभी x बराबर जीरो है, अब यदि इस स्प्रिंग को मान के इसलिए आपने इस प्रकार से यूं संपीड़ित कर दिया, संपीड़ित करके आपने यहां तक ला दिया, तो संपीड़ित करके अगर आपने यहां तक ला दिया, यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना देगा आपके पास, x हो जाएगा। तो आपने इसको विस्थापित इधर की तरफ किया, तो विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी, और यह फोर्स कितना हो जाएगा, एफ बराबर माइनस के एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पे इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा, एफ बराबर कितना देगा, के एक्स। और इसी प्रकार से जैसे मतलब स्प्रिंग है, इसको आपने खींच दिया, यहां तक ले आए आप इसको, तो प्राकृतिक लंबाई की स्थिति से यानी नेचुरल लेंथ से आपने इसको x खींच दिया है, तो इस स्थिति में विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन स्प्रिंग में खिंचाव जनरेट हो जाएगा, और इस फोर्स को ये अपन क्या बोलेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, kx। तो ये स्प्रिंग बल हो गया। एक होता है बेटा घर्षण बल होता है, क्या होता है, घर्षण बल। तो ये घर्षण बल अपन अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, घर्षण, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, तो फ्रिक्शन की अपने को यहां तक जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके अंदर केवल पिंड है, उस पर लगने वाले बलों को अपन दिखाते हैं, इसके द्वारा लगने वाले बलों को नहीं दिखाना है। कोई भी पिंड अगर आपको दिख जाए तो नीचे की तरफ एम जी लगाना ही लगाना है, रस्सी दिख जाए तो तनाव लगाना ही लगाना है, तनाव हमेशा अपने से दूर की तरफ होना चाहिए,
रस्सी अगर द्रव्यमान ही ना तो संपूर्ण रस्सी में तनाव एक समान होता है, और कोई भी जैसे पिंड है किसी भी दूसरे पिंड या सतह को अगर संपर्क कर स्पर्श कर रहा है तो इस स्थिति में वो सतह या पिंड हमेशा लंबवत दिशा में एक फोर्स लगाता है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। स्प्रिंग बल, जब स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है ना, कितना लगता है कैसे लगता है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीज़ों को एक बार आप नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन फ्री बॉडी डायग्राम है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपका बहुत आसान हो जाएगा। किस प्रकार से वेट फोर्स है जो बारबल है उसको अपन दर्शाते हैं, तनाव बल को किस प्रकार से दर्शाते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल को किस प्रकार से दर्शाते हैं, ये सारी सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सभी रस्सियों में तनाव ज्ञात करो। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितनी रस्सी है, 1, 2, 3, तो तीनों रस्सियों में आपको तनाव ज्ञात करना है। अभी ये वाला जो एंगल है वो कितना देर का आपको 37 डिग्री देर का है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, बारी बारी से सारे के सारे बल दिखाते हैं अपन, कौन कौन से बल लग सकते हैं। तो सबसे पहले देखे ध्यान से, देखो ऐसा है कि ये वाला जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है 10 kg। तो कोई भी ब्लॉक अगर आपको दिख जाए तो उस पर नीचे की तरफ mg आपको लगाना ही लगाना है, इस पर नीचे की तरफ आपको लगाना है mg। तो mg 10g और g की वैल्यू अगर कितनी लेते हैं अपन 10 लेते हैं तो 10 × 10 कितना देगा आपके पास 100, ये 100 N हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो रस्सी है, इस रस्सी में यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन देगा आपके पास T1, और यहाँ पर अगर T1 तो यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा आपके पास में T1 ही हो जाएगा। और वैसे भी अपन देख सकते हैं कि ये जो रस्सी है तनाव इसको इस प्रकार से संकुचित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो तनाव दूर की तरफ, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो तनाव दूर की तरफ। इसी प्रकार से दोनों से ये वाली जो रस्सी, इसको अपन दूसरी रस्सी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे इधर की तरफ टेंशन कितना देगा T2, और यहाँ पे टेंशन कितना देगा T2। याद रखना अगर रस्सी चेंज होगी तो तनाव है वो भी चेंज हो जाएगा। एक दीगी रस्सी में तनाव है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसके बाद इसकी अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर दूर की तरफ इधर की तरफ तनाव दर्शा दो आप T3, और इधर की तरफ आप इस प्रकार से तनाव दिखा दो T3, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अपन एक काम करते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है इस वाले ब्लॉक को देखो, क्या ये वाला ब्लॉक ऊपर या नीचे की तरफ गति कर रहा है क्या, नहीं। तो इस स्थिति में इस ब्लॉक पे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। तो इस ब्लॉक पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है T1, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है 100। तो T1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लिख देंगे T1 बराबर कितना देगा 100 N। तो एक तो ये सोल्व हो गया आपका। इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं अपन, ये वाला पॉइंट मैंने बना दिया इस प्रकार से, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले नीचे की तरफ तो लग रहा है T1, जो कि मैंने आपको याद करके बता दिया 100 है। इधर की तरफ क्या देगा आपके पास है T2, और इधर की तरफ क्या देगा आपके पास है T3। ये वाला एंगल अगर कितना देगा आपके पास है 37, ये वाला एंगल अगर कितना देगा आपके पास है 37, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे 37। तो T3 का ये वाला घटक कितना देगा बताओ, T3 cos 37 कितना होता है 4/5, तो 4 T3/5, और इसके बाद ये कितना देगा ऊपर की तरफ, इसको अपन बोलेंगे 3 T3/5। अब यहां पर आते हैं अपन, देखो इस पॉइंट पर ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट है वो रेस्ट में, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा। तो ऊपर कितना लग रहा है बताओ 3T3/5, तो ये अपन लिख देंगे 3T3/5 बराबर। नीचे की तरफ कितना लग रहा है भैया 100, तो यहाँ से आपके पास है T3 बराबर कितना देगा 500/3, तो 500/3 N, ये T3 आ गया। इसके बाद इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फोर्स है वो भी आपको बराबर करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना देगा आपके पास है T2, और राइट हैंड साइड में फोर्स कितना देगा 4 T3/5, ये आपके पास है T2 बराबर कितना देगा आपके पास है 4/5,
और T3 बराबर कितना हो जाएगा, 500/3 हो जाएगा, 500/3। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 400/3। तो इस प्रकार से ध्यान से देखना, देखो T1, T2 और T3 इन तीनों की वैल्यू अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में आगे देखते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास है दो सरफेस है, ये वाली सरफेस होगी और एक आपके पास है ये वाली सरफेस होगी। ये वाली सरफेस है ये इस प्रकार से वर्टिकल के साथ में 37 डिग्री और ये वाली सरफेस है वर्टिकल के साथ में 53 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। और इन दोनों सरफेसेस के बीच में ये कोई भी गोला है, इस गोले का द्रव्यमान कितना है, m है, उसको अपने इस प्रकार से फंसा रखा है, स्थिर कर रखा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि दोनों सतहों के अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। यहाँ पर दोनों सरफेस इस गोले पर कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, कितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल आरोपित कर रही है, वो बेटा आपको ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं अपन, सबसे पहले लगने वाले फोर्स दिखाने, इसके सेंटर पे खड़े हो गए, द्रव्यमान कितना भी m है, तो नीचे की तरफ लगा दो इस पे कितना mg। इसको बोलेंगे पहली सतह, इसको बोलेंगे दूसरी सतह। पहली सतह ना यहाँ पे टच कर रही है इस सतह के लंबवत, तो लंब वो सेंटर से पास होता है, नियम होता है ये। तो ये तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या देगा, N1, और इसका फोर्स है इधर की तरफ हो जाएगा, ये आपके पास में क्या देगा, N2 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं अपन, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये इसका जो सेंटर है वो सेंटर मैंने यहाँ पे बना दिया, देखो ये सेंटर हो गया। इस सेंटर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो ध्यान से, एक तो फोर्स लग रहा है इस प्रकार से नीचे की तरफ mg, ठीक है ना, और एक लग रहा है इस प्रकार से इधर की तरफ n1। अब ये n1 है कितने एंगल पर हो जाएगा, देखो ध्यान से, n1 ये एंगल अपन निकालते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा 90, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है 37 हो जाएगा। तो 37 डिग्री पे ये n1 हो गया और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है 37 डिग्री। इसी प्रकार से ये आपके पास n2 है और n2 है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितने एंगल पर हो जाएगा बताओ, 53 डिग्री पर। ये 53 डिग्री पर हो गया, अभी ये 53 डिग्री पर हो गया। अब यहां पर n1 और n2 इन दोनों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक अपने को बनाने हैं, तो चलो बनाते हैं घटक। तो n1 का ये कितना देगा बताओ, n1 cos 37 कितना होता है 4/5, तो कितना देगा आपके पास है 4 n1/5, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपके पास है 3 n1/5। N2 इस N2 का क्षैतिज घटक अपन बना देंगे इधर की तरफ, N2 cos 53 कितना होता है बताओ 3/5, तो ये आपके पास है 3 n2/5, ऊपर कितना देगा आपके पास है 4 n2/5, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये वाला गोला है न तो क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है नहीं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है। तो अपन क्षैतिज दिशा में जो बल है उन बलों को अपन संतुलित करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाते हैं। तो क्षैतिज दिशा में देवदान से इधर वाला और उधर वाला बराबर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास है देवदान से, ये बन जाएगा 4 n1/5 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 3 n2/5। तो 5 से 5 को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास n1 बराबर कितना देगा आपके पास है 3/4 इनटू क्या देगा n2 देगा। ये तो आपके पास n1 और n2 के बीच में रिलेशन आ चुका है बेटा। अब अपन ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स के बराबर कर देंगे, तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है देवदान से, ये लग रहा है 3 n1/5 प्लस क्या देगा आपके पास 4 n2/5 और बराबर नीचे की तरफ कितना लग रहा है mg। तो यहां से n1 बराबर कितना देगा 3/4 n2 देगा, तो भाई 3/5 तो पहले से ही है
और एन वन कितना देगा आपके पास है 3/4, एन टू तो कितना देगा 3, 3 कितना देगा 9, 5 6 कितना देगा 20, तो इसको अपन बोलेंगे 9/20 एन टू प्लस कितना देगा आपके पास है 4/5 एन टू बराबर एम जी देगा। 9/20 और 4/5 को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसे 9/20 प्लस कितना देगा 4/5 एन सी एम ले लेंगे कितना देगा 20, तो ये तो आपके पास है 9, 4 चौक कितना देगा 16, 16 और 9 कितना देगा 25, 25/20 तो 5 से अगर हम काटेंगे तो कितना देगा 5/4 हो जाएगा, कितना देगा 5/4, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 5/4 एन टू बराबर क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा, तो यहाँ से अपन निकाल देंगे एन टू बराबर कितना देगा 4 mg/5, तो ये तो आपने एन टू निकाल दिया और इसके बाद यहां से एन वन, एन वन बराबर कितना देगा 3/4 एन टू और एन टू कितना देगा आपके पास 4 mg/5, तो 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 mg/5 हो जाएगा बेटा। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले इस गोले पर लगने वाले सारे के सारे बल दिखा दिए, कौन कौन से बल लगते हैं भाई, इसका द्रव्यमान कितना है m है तो mg लगाना ही लगाना है, ये दो सतहों को टच कर रहा है, कितनी सतहों को टच कर रहा है, दो सतहों को, तो दोनों सतहें इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी करेगी, स्प्रिंग यहाँ पर है नहीं तो स्प्रिंग फोर्स की बात नहीं करेंगे, रस्सी यहाँ पर है नहीं तो तनाव बल की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, घर्षण की यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा तो घर्षण बल भी अपन नहीं लगाएंगे, यही तो बल होते हैं और कौन से बल होते हैं वो अपन ने लगा दिए। इसके बाद में बलों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कर दिए, क्षैतिज दिशा में बल है उनको संतुलित कर दिया और ऊर्ध्वाधर दिशा में बलों को संतुलित कर दिया, समीकरणों को सोल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट होते हैं, इनको आप अच्छे से नोट करें बेटा।